Hi guys, welcome back to my channel The Morish Twins. So as you can see behind me is my closet, shoe closet. So without any further ado, let's begin the video. So on this side I have one closet and this one is my husband's closet. ये कुछ ऐसा दिखता है, but obviously ये मेरी shoe closet की video है, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी. ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने का ट्राई किया है. सो आई हैव पुट वन कैंडल हियर एंड थोड़े लग्जरी परचेजेस जो भी मेरे शू के थे अभी करंटली जो यहाँ फिट आ पाए. यहाँ माइक्रो कोर्स एंड कार्ल लगरफेल्ड के बॉक्सेस रख दिए मैंने. सो इट लुक्स क्वाइट प्रेजेंटेबल हियर. सो यहाँ कमिंग टू द साइड इज माई मेन क्लोजेट. सो लेट्स जस्ट ओपन इट. सो दीज आर माई शूज. These are all my shoes because मैंने काफी मतलब मैं काफी बोल रही हूँ ना, तो आप समझो बहुत सारे मैंने discard कर दिए हैं अपने shoes because जो मैं पहनती नहीं वो मैं रखूंगी भी नहीं और मैं रखना चाहती भी नहीं थी because भरने से यार क्या फायदा. अभी आप और लोगे फिर और भरते जाओगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का. तो मैंने सिर्फ वो ही रखे हैं जो मैं एक्चुअली पहनती हूँ. सो यार स्टार्टिंग starting with this one, this section has all my long boots, knee high boots. I think four pair, grey color, red color, black color and brown color. These are all knee high boots and these are all from my brand only, Texas Jewels. काफी साल पुराने हैं यार, अभी तक चल रहे हैं, very good quality. So yeah, the first section are my knee high boots. मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ because ऊपर है. तो या उसके नीचे आते हैं. सो दीज आर माय एंकल लेंथ बूट्स. सो द फर्स्ट वन आर दीज आर आल्सो फ्रॉम माय ब्रांड प्रेक्सिस जूल्स एंड दीज आर द न्यू बूट्स एंड इसमें ट्रांसपेरेंट हील्स है. सो या ये भी मैंने बहुत पहना है और अभी तक कंडीशन अच्छी है. सो या फर्स्ट पेयर वाज दिस वन. द सेकंड वन आई हैव are these boots. These are from Carlton London. Yeah, ये मैंने काफी कम पहने हैं ये वाले अग्स. अग्स कहते हैं ना इनको. Yeah, so अंदर से काफी warm है, ये plush material है अंदर and ये मैंने काफी कम पहने हैं. इसको भी लिए हुए आई थिंक मेरे को 2-3 years हो ही गए हैं, बट मैंने शायद एक बार भी नहीं पहना है. बट या आई ट्राई एंड वेयर इन द कमिंग विंटर्स, या अगर कहीं बाहर बनता है तो I'll carry these because why not? You know, अच्छा है pair and leopard तो मैं obsessed हूँ leopard print से. So yeah. Okay, so the other one are these. ये भी Carlton London के ही है UGGs and length wise थोड़े से उनसे ऊँचे हैं ये and yeah, मैंने इनको भी काफी बार पहना है और ये भी अंदर से same plush material है, अंदर काफी soft है, very comfortable. So yeah, these were my ankle length boots. So coming, ऐसे आ जाती हूँ. Coming to this side, these are all my heels. And नीचे भी है heels, but ये वाले section पे जाते हैं पहले. So the first one are these pair. ये एक brand है रुतबा करके. रुतबा, yeah. रुतबा करके ये Instagram page है. और ये उनसे एक PR में आया था मुझे ये heel. I think वन एंड हाफ ईयर और लास्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर. तो वेरी कम्फर्टेबल आई मस्ट से बिकॉज मैंने इसको पहना है आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था. सो या रुतबा नाम है पेज का, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. वेरी कम्फर्टेबल शू इसलिए मैंने रखा है बिकॉज एक तो लेपर्ड प्रिंट है, आप देख ही सकते हैं ऑब्सेशन मेरा लेपर्ड प्रिंट से. सो या फर्स्ट पेयर आर दीज. द सेकेंड वन आदीज, ये मेरे रखने का, वैसे मैं इसको बहुत कम अब पहनती हूँ, बट रखने का मोटिव ये था कि मेरे पास कोई ब्लैक हील्स नहीं थी मेरे अंदर क्लोजेट में. सो आई कैप दीज आर फ्रॉम वैन ह्यूसन. ये मैंने ऐसे ही ले ली थी, पता नहीं कितने साल पहले, 3-4 साल हो गए होंगे एंड इट हैज गोल्ड स्टड्स. ब्लॉक हील है एंड कंफर्टेबल है, बट या ठीक है, ब्लैक हील बेसिक हील के लिए ठीक है, इसलिए मैंने रख लिया. So yeah, the other one I have are these one. So these are the strappy heels and these are from Steve Madden. ये मैंने US से मंगाए थे and these has tassels in the front
एंड ही हाइट थोड़ी सी लंबी है औरों से. तो जब चूजो का सामान मंगाया था मैंने यूएस से, सो ये भी चूजो में ही थी मेरे. सो यार द थर्ड पेयर ऑफ हील्स आर दीज वन. जब आपका नया नया क्लोजेट होता है ना तो आपको सजाने का मन करता है. कौन कौन अग्री करता है, मैं तो अपने कपड़े अपने शूज हर चीज बैग्स बहुत ही अच्छी तरह रखती हूँ, तो मेरे को तो बहुत शौक है. ओके सो कमिंग डाउन टू दिस सेक्शन, ये भी मेरा हील्स का ही सेक्शन है. सो द फर्स्ट पेयर इज दिस वन, ये ट्रांसपेरेंट हील्स हैं. ये भी एक इंस्टाग्राम ब्रांड है टीएस्टा करके, एंड ट्रांसपेरेंट है. इसको मैंने बहुत ज्यादा पहना है, आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम शूट पे, यू नो एवरी अदर शूट पे मैं यही पहन लेती थी. सो या बिकॉज सबके साथ मैच हो जाता है, गोल्ड टोन में है. सो या आई लव दीज ट्रांसपेरेंट हील्स. सो द अदर वन आई हैव आर दीज वन, दीज आर फ्रॉम ज़ारा. एंड इसका दूसरा पेयर ये रहा. सो ये जूट मटेरियल की हैं, इसको भी मैंने थोड़ा पहना है. ये मैंने आई थिंक 2-3 इयर्स बैक सेल पे ली थी ज़ारा से. सो या अभी तक इंटैक्ट है इसके जूट, वरना आप देख सकते हो ऐसे निकलने को हो सकते हैं, बट निकले नहीं है. सो द अदर वन आई हैव आर दीज वन, दीज आर माई हॉट पिंक किटन हील्स, एंड दीज आर ऑल्सो फ्रॉम माई ब्रांड प्रेक्सिस जूल्स. आगे कुछ ऐसा राइनस्टोन का डिजाइन है एंड पॉइंटेड हील्स है, वेरी कंफर्टेबल. आई थिंक जब मैंने पहना था तो हमारी काफी बिक गई थी. सो या मोस्ट कंफर्टेबल शू, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल शू एक्चुअली. सो या हील्स मेरी इतनी ही है, एंड हील्स में ज्यादा पहनती भी नहीं हूँ, बट जितना पहन पाती हूँ उतनी ही रखी है मैंने, ज्यादा कुछ भरा नहीं है. सो कमिंग डाउन, मैं ऐसे हो जाती हूँ. कमिंग डाउन टू दिस सेक्शन, आई हैव माई एस्प्राडिलास एंड म्यूल्स यू कैन से. सो द फर्स्ट पेयर इज दिस वन, दीज आर फ्रॉम माई ब्रांड ओनली प्रेक्सिस जूल्स, बट ये काफी पुराना कलेक्शन है. सो बट मोर यू नो वेरी कंफर्टेबल, एंड ये मैंने इसको बहुत पहना है. मोस्ट वॉर्न शू आई थिंक इन माई होल क्लोजेट, ये सबसे ज्यादा पहना हुआ शू है एंड वेरी कंफर्टेबल. इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है. एंड आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक आपको अब अवेलेबल हो पाएगा, ये बहुत पुराना शू है. सो या वेरी कंफर्टेबल शू. द फर्स्ट वन इज दिस वन. सो प्लीज इग्नोर माई हेयर, मैं बाल टाई करके आ चुकी हूँ बिकॉज काफी गर्मी लग रही थी. सो या लेट्स कंटिन्यू विद आवर शू कलेक्शन. द नेक्स्ट पेयर आई हैव आर दीज वंस, एंड दीज आर माई न्यूएस्ट परचेज, न्यूएस्ट इट्स अ वर्ड. सो या दीज आर माई न्यू पेयर, एंड दीज आर फ्रॉम कार्ल लागरफेल्ड. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, कार्ल लागरफेल्ड, कार्ल लागरफेल्ड. या सो ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ मेरी अभी गई थी यूरोप ट्रिप पे अपने. सो मैंने ये उनसे मंगाए हैं, एंड ये मुझे कॉस्ट किए थे अराउंड 8500 आई थिंक, या 8500 कॉस्ट किए थे. एंड ये मैंने लावाले विलेज से लिया था. सो लावाले विलेज इफ यू नो पिस्टर विलेज का ही पार्ट है, एंड ये मुझे काफी सस्ते में पड़े यार. 8500 फॉर अ लग्जरी परचेज इज अ स्टील. एंड ये शू बस यही शू था मेरे साइज में, बिकॉज मैंने मैंने वेबसाइट से उनकी वेबसाइट पे मैंने काफी सिलेक्ट किए हुए थे कि ये भी लूंगी, बट लावाले विलेज के स्टोर पे वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था एक्सेप्ट फॉर दीज वंस. सो या मैंने ये लिए. सो या द न्यूएस्ट परचेज आर दीज वंस, वेरी कंफर्टेबल. और व्हाइट कलर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आप देख ही सकते हो कि स्नीकर्स को छोड़ के कुछ भी व्हाइट कलर में नहीं था. सो आई वॉन्टेड समथिंग इन व्हाइट एंड ब्लैक जो मेरे पास नहीं था, सो आई गॉट दीज. सो या द नेक्स्ट वन आई हैव आर दीज एस्प्राडिलास, एंड दीज आर फ्रॉम माइकल कोर्स. आप देख सकते हो ये, इसको आई थिंक 2 इयर्स हो गए होंगे मुझे लिए हुए. सो या मोस्ट वॉर्न शू आर दीज, कहीं भी जाती हूँ यही पहन के जाती हूँ, एंड वेरी कंफर्टेबल माइकल कोर्स. एंड ये मैंने यहीं से लिया था, आई थिंक टाटा क्लिक लग्जरी से आई बॉट दीज शूज, एंड तब डिस्काउंट चल रहा था एंड आई गॉट इट फॉर आई थिंक 7000-8000 कुछ था. एमआरपी आई थिंक इसका 13 या 14000 है, मैक्स टू मैक्स 15000 होगा.
बट मैंने इसको 75,000 में ही लिया है, सो इट वॉज अ स्टील। जिस शू को आप बहुत पहन लो ना, और मतलब आपने अच्छा स्पेंड किया उस पर और आप उसको बहुत पहनो, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ आप उस शू को यूज कर रहे हो, आप उस मनी को यूटिलाइज कर रहे हो, आपका मनी वेस्ट नहीं जा रहा। सो या मैं पहले तो मैं बहुत ही शूज करे जो मैंने डिस्कार्ड किए, एक्चुअली मैंने बहुत सारे शूज ले लेती थी कि बट इतने पहनने में ही नहीं आते थे, बट नाउ आई स्पेंड थोड़ा सोच के एंड जो मैं शू पहन पाऊंगी, पहनती हूँ वो ही मैं लेती हूँ, उसी पे स्पेंड करती हूँ। सो एक सजेशन है, टिप है कि आप सोच समझ के लीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग लक्जरी परचेज। ऑब्वियसली आप अगर आप 2,000-3,000 का भी जूता ले रहे हो तो वो भी यार मनी है, वो भी आप स्पेंड ही कर रहे हो, तो 2,000-3,000 भी आप सोच समझ के ही स्पेंड करिए, बिकॉज जो आप नहीं पहनते आप उस पर स्पेंड मत कीजिए, जो चीज़ आप यूज नहीं कर रहे हो आप मत करो स्पेंड, बिकॉज मनी जो है वो ट्री पे तो लगा नहीं है। सो या मैंने भी अब मैं सोच समझ के ही वो शू लेती हूँ। सो या लेक्चर खत्म हुआ, लेट्स कंटिन्यू विद माय कलेक्शन। ओके सो कमिंग डाउन टू दिस सेक्शन, आई हैव ऑल माय फ्लैट्स, तो बैलरीनाज हैं इसमें एंड फ्लैट स्लिपर्स हैं, तो बैलरीना से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो मेरे पास दो ही हैं, दो पैर हैं। सो फर्स्ट वन आर दीज, एंड ये भी मैंने बहुत पहना है, दीज आर फ्रॉम लुबिटॉन्स एंड मतलब याद है मैंने शादी के टाइम ही लिया था ये शू। इतना महंगा आप जूता लोगे और आप एकदम मतलब मैं तो पता नहीं कितना चला लूंगी इसको, और अभी तो आई थिंक इसको 5-6 years ही हुए हैं मेरे पास मेरे को खरीदे हुए, सो अभी तो मैं काफ़ी चलाने वाली हूँ इसको। बट दीज आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी प्रिटी पेयर एंड काफ़ी बार पहन चुकी हूँ मैं इसको, फॉर्मल आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो यार इट हैज ऑल द रिवेट्स एंड एवरीथिंग। सो अदर पेयर आर दीज वंस, दीज आर माई माइकल कोर्स बैलेरिनास, यू ऑल कैन सी, ये भी बहुत मैंने पहनी है एंड आप इसमें देख सकते हो मैंने अंदर सोल लगाया हुआ है, जेल सोल, आई थिंक इसके पीछे भी है, यस। और इसकी स्टोरी क्या है कि मैंने ये US वेबसाइट से मंगाया था एंड US ही शिप करवाया था, इंडिया नहीं। सो US वेबसाइट से मुझे काफ़ी चीप पड़ा था, मैंने आपको आई थिंक बैक कलेक्शन में भी आई टोल्ड यू कि माइकल कोर्स मैं सारे US से ही मंगाती हूँ, एक आधा को छोड़ के। सो सारे मेरे बैग्स जो है, शूज जो है, माइकल कोर्स सारे US, बिकॉज काफ़ी चीप पड़ता है एंड आई एम नॉट यू नो स्पेंडिंग माइकल कोर्स इंडिया में। सो इसकी स्टोरी ये है कि मुझे पता था मेरा MK का US साइज क्या है, US 9 है, बट मैंने ये पता नहीं क्यों, किस क्या टाइम था वो, मैंने ये US 10 में ऑर्डर कर लिया अपना। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने एक साइज बड़ा ऑर्डर कर लिया अपने, बट एनीवेज मैंने इसमें सोल लगा लिए हैं, तो एक टिप मैं आपको भी देना चाहूंगी, ये जेल सोल्स इजीली मिल जाते हैं, ये मैंने पीछे लगा दिए हैं, ये लगा दिए यहाँ पे लगा दिए, तो जो शू हो है, जो शू होता है अगर आपको एक पॉइंट लूज है, कोई एक पॉइंट लूज है तो आपको पूरा फिट आ जाता है सोल लगा के। सो एक टिप देना चाहूंगी मैं कि अगर बड़ा आप गलती से आप ले लेते हो, और यार लग्जरी परचेज था तो बहुत दुख होता है कि आप गलत साइज में शू ऑर्डर कर रहे हो, बट ये आइडिया अच्छा है, अंदर सोल लगा लिया और अब ये मुझे परफेक्टली फिट होता है। सो या दीज आर माई अदर पेयर ऑफ बैलेरिनास। ओके सो द नेक्स्ट वन आर दीज, दीज आर द स्लिपर्स, ये मटीरियल को क्या कहेंगे, प्लास्टिकी सिलिकॉनी या यही कहेंगे। सो दीज आर फ्रॉम BCBG जेनरेशन है, एंड एक और आता है ना BCBG मैक्स, I don't know BCBG जनरेशन का है ये, BCB जनरेशन और BCBG जनरेशन मुझे नहीं पता, बस उसका है ये, यही मैंने अपने चूजों में US से मंगाया था। सो दीज आर वेरी यू नो पूल स्लाइड्स हो गई हैं, पूल स्लिपर्स हो गई, तो आप इजीली ये पूल में पहन के जा सकते हो। सो या अदर पेयर वर दीज, नेक्स्ट वन ये भी मेरी आई थिंक लेटेस्ट परचेज ही कहूंगी मैं इसको, और मैं इसको काफी बार पहन चुकी हूँ, ये मेरी घर की चप्पल है एंड
मतलब मैं बाहर ले जाती हूँ इन्हें, है तो ये स्लिपर्स ही बट मैंने बाहर के लिए रखे हुए हैं बिकॉज घर में मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मैंने बाहर के लिए रखे हुए हैं। दीज आर फ्रॉम माइकल कोर्स और मैंने इनको इतना पहना है कि इनका जो एनके है आप देख सकते हो कैसे उतर के, ये जो फुट का एरिया है ये सारा उतर गया है, ये देखो। तो आई थिंक ये प्रिंटेड तो नहीं है बिकॉज प्रिंटेड होता तो ये ना उतरता, तो ये लेदर पे ही है। या सो दीज आर माय एमके स्लिपर्स, ये भी मैंने टाटा क्लिक लग्जरी से ही बाय किया था और ये मुझे आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मुझे किस प्राइस पे मिली थी, सेल पे लिया था आई थिंक दिस ईयर, नहीं नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर लिया था। आई रिमेम्बर मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने उस टाइम लिया था ये, और ये मुझे सेल पे अराउंड 3000 रुपीज का पड़ा था। कैन यू ऑल बिलीव 3000 की माइकल कोर्स की चप्पल मैंने इंडिया से वो भी ली है। कमिंग टू दिस सेक्शन, दीज आर ऑल माई फ्लैट्स एंड आई कैन सी मेनली सबसे ज्यादा टेक्सास जूल्स की ही है, सो इससे स्टार्ट करते हैं। दीज आर माई पिंक फ्लैट्स और ये MS की तरह दिख रही है बट MS की है नहीं, ये टेक्सास जूल्स की है एंड आई डोंट थिंक कि अब अवेलेबल होगी या नहीं, ये 2-3 साल पुराना कलेक्शन ही था। सो या ये अभी तक चल रही है, वेरी गुड क्वालिटी स्लिपर्स एंड हॉट पिंक कलर है, अच्छे से मैच हो जाता है यार सबके साथ एंड या आप ड्यूप कह लो, कॉपी नहीं कहेंगे, इंस्पायर्ड कह लो, बिकॉज कॉपी में क्या होता है आपके ब्रांड लिखे होते हैं या कुछ स्टिकर विकर होता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लुक अलाइक द MS slippers. So yeah, first pair ये था। तो the second pair जो है वो नई, बिल्कुल new purchase है, अभी तक एक बार भी नहीं पहनी and ये birthday के लिए लिया है मैंने and these are from Dior. इसका मैंने अभी तक नहीं पहना है, मैंने अपने birthday के लिए ली है, तो birthday पे hopefully I'll wear them and yeah, just love them and अब काफी ट्रेंडिंग में है, हर किसी के पास है आजकल तो ये। ओके सो नीचे चलते हैं। यहाँ जैसे कि आपको मैंने पिंक स्लिपर्स दिखाई थी, ये सेम ब्राउन स्लिपर्स है, नॉट MS स्लिपर्स। आई विश मैं वो भी लूंगी MS का पैर, बट दीज आर फ्रॉम टेक्सास जूल्स, कोई ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है, ड्यूप कह लो, इंस्पायर्ड कह लो। सो या दीज आर फ्रॉम टेक्सास जूल्स अदर फ्लैट्स। फिर एक और फ्लैट्स हैं, ये भी MS इंस्पायर्ड ही है एंड दीज आर लेपर्ड प्रिंट, ऑफ कोर्स ऑब्सेशन। सो या ये भी सॉरी अब शायद अवेलेबल ना हो बिकॉज 2-3 इयर्स पुराना कलेक्शन था ये। सो या ये भी बहुत ही सुंदर लगती है पहने हुए। नेक्स्ट वन आई हैव दीज आर नॉट टॉय वॉच, दीज आर लुक अलाइक बट ड्यूप कह लो या क्या कह लो, कोई ब्रांडिंग भी नहीं है, तो ये टॉली वॉच की नहीं है, डिस्क्लेमर, ये टेक्सास जूल्स की ही है एंड अब मैं काफी निकली होंगी यार, काफी बिकी भी थी। सो या अदर पेयर आर दीज वंस। द नेक्स्ट वन आई हैव आर दीज वंस, दीज आर नॉट टॉली वॉच, ये भी टेक्सास जूल्स की है, टॉली वॉच की तरह दिखती है बट है नहीं, आई डोंट थिंक ये अब अवेलेबल है बिकॉज ये भी पुराना कलेक्शन ही है एंड यार काफी गुड क्वालिटी है इसलिए मैंने अभी तक रखी हुई है एंड काफी पहन चुकी हूँ मैं इनको। सो या अदर पेयर वर दीज वंस। सो आप सबसे नीचे वाले में आते हैं, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा वो बट मैं कैमरा थोड़ा नीचे करके आपको ऐसा दिखा देती हूँ। देखो नीचे वाला जो नीचे वाला सेक्शन है, दीज आर ऑल माई स्नीकर्स और मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगी बट एक लुक गो थ्रू करा रही हूँ एंड दोनों क्लोजेट पे ये ऐसा कुछ ड्रॉअर है तो मैं आपको अभी दिखा दूंगी ड्रॉअर। फर्स्ट पेयर ऑफ स्नीकर्स आई हैव आर दीज वंस, ये भी टेक्सास जूल्स के थे बट सॉरी पुराना कलेक्शन था एंड चंकी स्नीकर्स अभी तक चल रहे हैं, इंटैक्ट है, वेरी गुड क्वालिटी। सो या नेक्स्ट वन आई हैव आर दीज वंस, दीज आर माय नाइकी, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है स्नीकर्स और इन सब ब्रांडिंग की बट नाइकी के हैं ये एंड या मैंने एक दो बार पहने हैं इनको। सो या द नेक्स्ट पेयर वर दीज वंस एंड द लास्ट शू आई हैव
आर दीज वन, दीज आर ऑल्सो फ्रॉम नाइकी और इनको तो मैंने रिप कर चुकी हूँ मैं इनको पहन पहन के, बिकॉज दीज आर माई रनिंग शूज. मैं इनको अभी तो मैं वॉक करती हूँ तो मैं वॉक करते हुए पहनती हूँ. एंड दीज आर फ्रॉम नाइकी. सो गाइज आई हैव शोन यू ऑल द शूज दैट आर केप्ट हियर. अभी एक लास्ट ड्रॉअर का बचा है तो वो अब दिखाते हैं हम आपको. सो ड्रॉअर को खोलते हैं, मैंने कैमरा रोटेट कर दिया है. सो दिस ड्रॉअर हैज ऑल माई जूतीज एंड इंडियन वेयर के फुटवेयर, बिकॉज मैंने इतने ज्यादा रखे नहीं है क्योंकि इतने पहनने में भी नहीं आते हैं, वही सेम रिपीट करती रहती हूँ मैं. सो या स्टार्टिंग विद दिस वन, ये एक पेयर है, ये मैंने अपने चूजों में लिया था. एंड ये वीनस कलेक्शन, वीनस स्टोर, या वीनस स्टोर एक साउथएक्स में स्टोर है. सो ये वहां से हुआ था, ये भी आई थिंक वीनस स्टोर का ही है साउथएक्स. सो ये भी एक यू नो फ्लैट्स का सूट्स के साथ काफी अच्छा लगता है. सो द नेक्स्ट वन आर दीज जूतीज, दीज आर सो प्रिटी. ये एक ब्रांड ने भेजा था, ब्रांडिंग या है रूबी वू, ये पीआर में थी जूतीज. सो वेरी प्रिटी. सो द नेक्स्ट पेयर आई हैव आर दीज वन्स एंड दीज आर माय फेवरेट जूतीज. ये मेरी सबसे फेवरेट जूती है बिकॉज दीज आर सो कंफर्टेबल. एंड ये ब्रांड है अदीरा करके, एक ब्रांड है उनका है, ये भी पीआर में ही था. एंड दीज आर सो ब्यूटिफुल, सारा वेल्वेटी वर्क है इस पे, वेरी कंफर्टेबल, मैं हर बार यही पहनती रहती हूँ. सो या द नेक्स्ट पेयर ऑफ जूतीज आर दीज वन्स. द अदर वन आई हैव आर दीज वन्स एंड दीज हैव ऑल द टैसल्स एंड आई डोंट रिमेम्बर ये ब्रांड कौन सा है, ब्रांडिंग नहीं दी हुई है, आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने कहाँ से लिया था, बट आई थिंक ये इंस्टा पेज ही था कोई, उन्हीं से लिया था. लुक एट द जूतीज, सो ब्यूटिफुल. ये अबू जानी संदीप खोसला की जूती से इंस्पायर्ड है. सो या ऑल द मिरर वर्क एंड एवरीथिंग आर देयर. सो द लास्ट पेयर आर दीज वन्स, ये मेरी शादी की जूती है, तभी आपको इतनी गंदी कलेक्शन, गंदी सेट में दिख रही होंगी, बिकॉज ये मैंने काफ़ी पहनी है. एंड मेरी शादी पे मैंने यही पहनी थी. सो दीज आर दिस वन इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, बट अभी तो काफ़ी मैंने सिर्फ मेमोरी के लिए इसको रखा है, मैं इसको पहनती नहीं हूँ अब. सो या दीज वर ऑल माई जूतीज एंड इंडियन वेयर के साथ फुटवेयर. सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट माई शू कलेक्शन. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.